नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो खास स्पेशल हमारा होने वाला है चाइना स्टेट दुबई। जी हां दोस्तों, कल है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को चाइना स्टेट दुबई का क्लाइंट इंटरव्यू है जो चलेगा गोरखपुर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस बता दूं ताकि जो मेरे भाई आना चाहते हैं, जो मेरे भाई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन भाई को कोई दिक्कत ना हो ऑफिस तक आने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को आना है नंदा नगर रेलवे ढाला, नंदा नगर एम्स हॉस्पिटल के पास आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इंटरव्यू में आने के लिए, वो मेरे भाई व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें। मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो भी डिटेल है, क्या मिलेगा, सारा डिटेल मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ चाइना स्टेट के ऊपर, बट फिर भी एक बार लास्ट में बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर सिर्फ दो ट्रेड है, पहला ट्रेड है शटरिंग कारपेंटर, दूसरा ट्रेड है फर्नीचर कारपेंटर। तो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, कल सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा चाइना स्टेट दुबई के लिए। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि गल्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपकी उम्र 22 साल से 45 साल तक है तो भी आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उम्र आपका 46 साल नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा तब आप आइए, ताकि आप आए तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए। जो मेरे भाई चाइना स्टेट दुबई में काम कर रहे हैं इस वक्त, वो ज़रूर कमेंट करें कंपनी कैसी है, या जो मेरे भाई चाइना स्टेट दुबई से काम करके वापस भारत आए हैं वो मेरे भाई भी कमेंट कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है। तो दोस्तों ये तो था 3 अक्टूबर का डिटेल कि कौन सा क्लाइंट इंटरव्यू है। फिर 5 को भी है, 6 को भी बहुत सारी कंपनियों का इंटरव्यू है जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है कि आज मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो अपलोड हुआ है अमित की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार गाना है। विदेश में कैसे एक लड़का रहता है और कैसे उसको घर की याद आती है, उसके ऊपर ये गाना है। मैं अपने सारे भाइयों से प्यार की उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उस गाने को सुनिए और लाइक करिए ताकि अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द बना सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद।